IPL 2024 मैं खेलूंगा। मैं यहाँ पर बात करूं भाई महेंद्र सिंह धोनी की। CSK और GT के बीच पहला क्वालिफायर खेला गया, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। वो जीत दर्ज करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कुछ कहा वो बहुत ही शानदार था भाई। जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी मैदान से जब वो विदाई लेने लगे, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, तो वहां पर भाई सवाल सबके मन में एक ही था, क्या हम MSD को आखिरी बार चेपॉक में देख रहे हैं। तो भाई ऐसे ही जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, जाते जाते हर्षा भोगले ने उनसे सवाल पूछ ही लिया कि क्या आर वी वॉचिंग यू फॉर द फाइनल टाइम इन चेपॉक। तो भाई जिसका जवाब महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी 6-8 महीने और है IPL 2024 के उस ऑक्शन में, तो क्या पता तब तक मैं फिट हो जाऊं और मैं खेलना शुरू कर दूं। और इस IPL के अंदर भी मैंने कुछ टाइम पहले प्रैक्टिस करना शुरू किया था मार्च के अंदर, तब तक मैं यहाँ पर खेलने के लिए एलिजिबल हुआ। तो भाई यानी कि उन्होंने अंदेशा दिया है कि मैं तब तक भी खेल सकता हूँ। 2024 के IPL के उन्होंने एक संकेत दिए कि मैं अगले साल IPL खेल सकता हूँ। अभी 6-8 महीने हैं, क्या पता तब तक मैं तैयार हो जाऊं, और अभी से मैं उन चीज का सरदर्द में नहीं लेना चाहता। तो भाई ये आशंका तो साफ है कि भाई MS धोनी जो अभी 40 साल के MS धोनी हैं, और अभी तक भी अगर उनको आखिरी IPL होता, उनके कोई जहन में होता मेरा आखिरी IPL, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत देते। लेकिन जो फैसले उन्होंने दो इनका जो बयान रहे थे कि भाई डेफिनेटली नॉट, आई हैवेंट लेफ्ट बिहाइंड, तो वो उससे थोड़ा सा अलग कुछ बोला महेंद्र सिंह धोनी ने कि अभी 6-8 महीने हैं, मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ IPL 2023 के, IPL 2024 के लिए। और खैर बात करूँ अगर इसके अलावा क्या कुछ कहा महेंद्र सिंह धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस के लिए बोला कि भाई इट्स अ गुड टॉस टू लूज, और साथ के साथ उन्होंने जडेजा की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने बोला कि जब भी जडेजा को पिच से थोड़ी बहुत भी मदद मिलती है तो इसको हिट करना, इसको पिक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ के साथ उन्होंने मोइन अली के लिए बोला कि जो पार्टनरशिप थी मोइन अली और जडेजा के बीच वो बहुत ही शानदार थी। उन्होंने उन्होंने गुजरात टाइटन्स की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से वो चेज करती है टीम बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने अच्छी तारीफ की, अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने, इसके चलते गुजरात टाइटन्स को हमने एक टोटल पे रिस्पेक्ट किया, जिसके चलते हम मुकाबला जीत गए। और उन्होंने IPL फाइनल्स के लिए भी एक बहुत ही खास बात बोली। उन्होंने बोला कि ये जस्ट अनदर IPL फाइनल नहीं है, ये वो IPL फाइनल है जहां पर 10 टीम लड़ी है, ये वो IPL फाइनल है कि जो जहां पर 10 टीम ने कंट्रीब्यूट करा, और ये 2 महीने की मेहनत है जो हम यहां पर फाइनल खेलने के लिए यहां पर खड़े हुए। खैर आप क्या कहेंगे MSD को लेकर, क्या MSD का आखिरी IPL है क्या नहीं है, अगले साल वो IPL खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या कहना है MSD का इस आशंका जो उन्होंने दिया कि भाई 2024 को आने में भी समय, कि हो सकता है आपको खेलता हुआ भी नजर आऊं। आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।